Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. C लैंग्वेज में एरे क्या होता है? एरे एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा 100 से 200 वेरिएबल्स क्रिएट किया जा सकते हैं। और हाँ, 100 से 200 वेरिएबल्स ही नहीं, बल्कि आप जितना वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, आप उतने वेरिएबल को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ एरे का, कि हम 100 से ज्यादा वेरिएबल्स एक बार में एरे में हम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें मान लीजिए कि 400 से 500 एम्प्लॉयज के नाम और मान लीजिए डिटेल हमें स्टोर करके रखनी है, तो हमें 400 से 500 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि 400 से 500 अगर हम एम्प्लॉयज की डिटेल क्रिएट करेंगे तो सी लैंग्वेज में इसी कंडीशन को देखते हुए एरे को बनाया गया है, जो डाटा को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को हम आसानी से स्टोर कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए एरे के फंक्शंस को हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि कितना भी डेटा हो उसको हम आसानी से सेव कर सकें। और एरे एक सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन होता है, जो कि सिमिलर डेटा टाइप का मतलब है कि एक ही तरह के डेटा स्टोर किए जाते हैं, जैसे कि हमारा इंट या की फ्लोट या की कैर, ये सभी डेटा को हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं, सिमिलर डेटा को। तो सी लैंग्वेज एरे के द्वारा ऐसी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करती है, जो एक ही वेरिएबल में 400 एम्प्लॉयज के नाम या कि उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं। तो मींस कुल मिलाकर यही हुआ हमारा, कि हम बहुत सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो सी लैंग्वेज में एरे एक स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप होता है, जो एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करता है। अब वह डेटा हमारा इंटीजर भी हो सकता है या कि हमारा नाम भी हो सकता है, हमारा डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो सी लैंग्वेज में जब भी एरे हम क्रिएट करते हैं, तो हमें एरे का डेटा टाइप और एरे का नाम और उस एरे में कितनी वैल्यूज स्टोर करनी है, ये सब हम उसमें डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए कि आप 10 नंबर मान लीजिए कि स्टोर करना चाहते हैं, तो आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। आप 10 नंबर के लिए भी आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, तो जब भी हम मान लीजिए कि एरे क्रिएट करते हैं, तो साथ में उस एरे का इंडेक्स भी हम, वो इंडेक्स अपने आप क्रिएट हो जाता है, और उसी इंडेक्स को प्रिंट करके हम वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। इंडेक्स को प्रिंट करके हम वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। तो किसी भी एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है, यानी कि हम एरे क्रिएट कर सकते हैं तो उस इंडेक्स 0 होगा। अगर मान लीजिए कोई हम एरे क्रिएट करेंगे, अब यह एरे इंटीजर डेटा को स्टोर करता हो या कि कैरेट डेटा को स्टोर करता है, दोनों में उसका इंडेक्स 0 ही रहेगा। तो जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं, तो जितनी उसकी साइज होती है उतनी ही मेमोरी एरे में एलोकेट हो जाती है, और उतने ही हमारे इंडेक्स नंबर एलोकेट होते हैं, उतने ही हमारे इंडेक्स नंबर एलोकेट होंगे और उतनी ही हमारी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने क्या देखा, एरे देखा एरे के बारे में, कि अगर मान लीजिए बहुत सारा डेटा आ गया तो हम उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, सिमिलर डेटा को या कि इंटीजर डेटा हो गया हमारा, कि कैरेट डेटा हो गया, फ्लोट डेटा हो गया, किसी भी प्रकार का डेटा हो गया, तो हम कैसे सब पूरी डेटा की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा था, इसमें हमने देखा एरे के बारे में। तो अगर हमारे पिछले ट्यूटोरियल भी आपको देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उन वीडियोज तक पहुंचिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।